दोस्तों सब टीवी पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों के पसंदीदा धारावाहिकों में से एक है और इस सीरियल में निभाए गए सभी किरदार आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उन्हीं किरदारों में से एक किरदार है नट्टू काका। दोस्तों जेठालाल की दुकान में काम करने वाले नट्टू काका ने अपने 57 ईयर्स के करियर में करीब 350 से भी ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है, मगर इनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास बच्चों की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। आज हम इस वीडियो में नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक की सैलरी और नेटवर्थ के साथ साथ उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, इसलिए अगर आप नट्टू काका के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक ने साल 1960 में आई फिल्म मासूम में बाल कलाकार की भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उस टाइम पर उनकी एज करीब 7 इयर्स की थी। उसके बाद घनश्याम नायक थिएटर में काम करने लगे। वो बताते हैं कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष तो था ही, साथ ही पैसे भी बहुत कम मिलते थे। एक इंटरव्यू में घनश्याम नायक बताते हैं कि पुराने दौर में 24 घंटे काम करने के बावजूद भी सैलरी के रूप में केवल 3 रुपए मिलते थे। इतनी परेशानियां देखने के बावजूद घनश्याम ने हार नहीं मानी और एक्टिंग करना जारी रखा। दोस्तों इंडस्ट्री में उन दिनों पैसे नहीं मिलने की वजह से घनश्याम नायक को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बारे में बताते हुए नट्टू काका कहते हैं कि उस टाइम पर पैसों की किल्लत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने घर का किराया और बच्चों की फीस तक नहीं भर पाते थे। लेकिन दोस्तों आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के रोल के लिए घनश्याम नायक को पर एपिसोड 30,000 रुपए की फीस मिलती है और कई वेबसाइट के अनुसार साल 2021 में नट्टू काका 6 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। नट्टू काका कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में काम शुरू करने के बाद ही उनकी जिंदगी में स्थिरता आई और उनकी आमदनी का एक फिक्स जरिया बना। और आपको बता दें कि आज मुंबई जैसे शहर में नट्टू काका 2 घरों के मालिक है।